अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं और इतनी जल्दी में ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये देखिए, ये मनाहिल यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। गोल भाई आदिल भी आ गया है, नाइस साहब बस लगे हुए हैं स्वीट से खाने में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। और आदिल भाई लेकर आए थे, ये उनकी तरफ से हमारा खाना है, ये खाते हैं और फिर निकलते हैं। अभी हम लोग निकल गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं वो जो है ना फेंकने वाली हैं, और बच्चे रेडी है, माशाल्लाह खाना भी रेडी है, और अब फाइनली हमारा सफर होने लगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज है वो दिन जब हम लोगों ने जाना है पाकिस्तान, और हम लोग फुल रेडी हो गए हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, बच्चे मेरे रेडी हो गए हैं। फुल लुक जो है ना मैं आपको अपनी एयरपोर्ट पे जाके ही दिखाऊंगी। और जो हम लोगों ने प्लान किया था सेम उसके ऊपर हम लोग चले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। लेकिन हमने सोचा था पहले हम लोग अपनी नींद पूरी करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हम लोग उठे थे 10 बजे और 11 बजे हम लोगों ने निकलना था और 1 बजे हम लोगों की फ़्लाइट है। पहली हमारी डोमेस्टिक है, दूसरी जो है ना हमारी इंटरनेशनल है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं जल्दी जल्दी और वहाँ जाके मिलते हैं। व्लॉग तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन मैंने सोचा कि साथ में अपने ब्रांड की प्रमोशन भी कर दूं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपके ब्रांड का कौन सा है, उसका क्या नंबर है। तो सामने नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा स्क्रीन पर फेरी कलेक्शन के नाम से। इसी आप हमारा नंबर सेव करेंगे तो सामने ही जो है ना आपको हमारा कैटलॉग शो होगा, जिसमें सारे ड्रेसेस अवेलेबल हैं। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी और सारी कलेक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे कैटलॉग में सब मौजूद होता है। और ये देखिए, ये हमारी न्यू कलेक्शन आई हुई, आप लोग जाएँ चेक करें। और ये जो ड्रेसेज हैं आपको वर्ल्ड वाइड मिल जाएंगे, यानी कि आप कहीं भी रहते हैं पाकिस्तान से बाहर, सऊदीया, यूके, इटली, जर्मनी, कहीं भी जो है ना ये आपको ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो बस आपने क्या करना है, मेरे इस नंबर पे मैसेज करना है, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी, स्टेटस भी आप लोगों को शो होंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑन द वे बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और हमारा तकरीबन 14 मिनट रहते हैं और 18 किलोमीटर का सफर रहता है। बस वहाँ पहुँच के जो है ना फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। अभी हम लोग अपने पास वाले एयरपोर्ट के पास जा रहे हैं, और ये हमारे न्याजी साहब फुल ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। हमने आज सबने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेसिंग की, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट, मैं भी ब्लैक और ये भी ब्लैक एंड व्हाइट। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डोमेस्टिक टर्मिनल पर, यहाँ से हम ड्रॉप ऑफ वाली जगह पे उतरते हैं और फिर भागते हैं अंदर अपनी फ्लाइट की तरफ। बोर्डिंग हम लोगों की बस हो रही है, हम लोग अपनी बोर्डिंग करवाते हैं और उसके बाद जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बस हम लोग जो है ना बोर्डिंग वगैरह करवा के और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से भी हमारी बस जाएगी सीधा जद्दा हम लोग जाएंगे। क्या हुआ, लॉ में क्लोज करो। ये लोग अपनी फराम वगैरह रख के और अभी हम लोग जा रहे हैं सऊदीया एयरलाइन पे। सफर स्टार्ट होने लगे है और बस हम लोग एरोप्लेन में अपना बैठ गए हैं। कर रहे हैं कि बच्चों के साथ हमारा सफर अच्छा जाए, इसलिए वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। फिलहाल तो बच्चे बहुत रिलैक्स बैठे हैं। लेट्स सी, यहाँ पे जो हमारा खाना आने वाला है, हमें भूख लग गई है क्योंकि हमारा खाने का टाइम, पिज्जा लिया है, केक लिया है, मैंने चाय लिया, हस्बैंड ने जूस लिया है और बच्चों ने भी अपना अपना जूस लिया है। तो बस अभी हम लोग अपना खाना खाते हैं, पिज्जा की मैं लोग आपको ओपन करके दिखाते हैं पिज्जा। ओके ओके, आप ओके ओके, मेरे बच्चों को भी अब बस अगेन हम लोग दोबारा से रेडी होने लगे हैं और हमारा जो प्लेन है ना वो भी ऑलमोस्ट लैंड कर चुका है। और अब जो है ना जाते हैं, अपने बताया तैयारी करते हैं, बच्चों को शूज पहनाते हैं। ओके ओके डन। फाइनली जी हम लोग जो है ना यहाँ पे लैंड कर चुके हैं और अब हमारा अगला जो है 3 घंटे का यहाँ स्टे है, उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है। उसके लिए अब जो है हमारे साथ में ऐसा की बहुत बुरी हालत हो गई थी, लेकिन चलो कोई नहीं। मैंने कहा आपकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, कान में जो दर्द हुआ था बहुत बुरा होता है, सब कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता, मेरे साथ नहीं हुआ। हाय, हम सब रेडी हैं उतरने के लिए, लेकिन ओपन गेट होने का वेट करें, जैसे कि गोल कह रहा है। गोल आज बहुत एक्साइटेड है, उसका फर्स्ट उसके होश में ना पहला सफर है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है।
और बस अभी हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोगों ने जाना है मनाही की प्राम लेने के लिए, इसकी प्राम लेंगे और उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट हमारा जो है ना वेट करना है 3 घंटे। और बस जी हम लोगों ने जाना था डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लास्ट टाइम मैं जब मैंने ट्रैवल किया था तो मैं डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय बस गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने ये चेंज कर दिया, उन्होंने ट्रेन यहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो आप अगर डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको एक फ्री वाली ट्रेन मिलेगी। अभी हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, हमारी हालत टाइट हो गई है, लेकिन ये कि मज़ा बहुत आ रहा है हमारा। तकरीबन अब 1 घंटा रहता है। वो ये कुछ खाना खिलाओगे कि नहीं है? खाना खिलाओगे कि नहीं? अभी हम लोग कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। A32 हाँ A32। तो अभी हम लोग A32 पे जाते हैं और वहाँ से जो है ना हम लोगों की फिर नेक्स्ट फ्लाइट है। आइए गुस्से से देखते हैं। बच्चे मेरे जो है ना बड़े खुश हैं, बड़े रिलैक्स हैं। और अभी हम लोग अभी हमें फुल भूख लगी है। मनाहिल लुक मनी। अभी हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ बैठ के हैं, अल बैग पे हस्बैंड यहाँ पे बैठ के कैमरा क्लीन करने के बाद के रिजल्ट। और गुल यहाँ पे, गुल क्या हुआ बेटा? ये कार के साथ ही आज खेल रहे हैं। और बस जी हम लोग अपने बैग लोग बैगों के साथ यहाँ पे बैठे, अब अल बैग खाएंगे। ये अल बैग का बोर्ड लेकर आएंगे, पानी हम लोग पानी पियेंगे, फिर अल बैग खाएंगे और उसके बाद हम लोग का 3 घंटे का सफ़र है और फिर हम लोग जो है ना फर्दर कहीं ट्रैवल करेंगे। लेकिन सफ़र बहुत 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 टफ होने वाला है। यहाँ का अल बैग कॉर्नर, यहाँ पे हम अल बैग खाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? वाटर वाटर। ओके 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 ओके। मेरे बच्चों को तो प्यास ही बहुत लगती है ना, हर वक्त पानी पानी पानी। ये हमारा अल बैग आ गया, बिग बैग आ गया और ये बच्चों के लिए फ्राइज और नगेट्स आ गए। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त अच्छी चीज़ें आ गई हैं। हाँ भाग भाग के हमने की है तैयारी और हस्बैंड अभी भी स्टिल भाग रहे हैं क्योंकि हमें लगा था 3.5 घंटे बहुत होते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं होते। आप यकीन मानिए हमने खाना भी बड़ी मुश्किल से खाया है। बस अभी हम लोग यहाँ से जो है ना अपना ये थोड़ा सा रश काम हो तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ। जी हमारी दूसरी फ्लाइट का टाइम हो गया है न्याजी साहब, अभी दौड़ दौड़ के क्या क्या हाल कर रहे हैं अपना, हम लोग बहुत दौड़ रहे हैं आज। और ये हमारा एक अदद लड़का जो इस टाइम फुल थक चुका है, इनको जाते ही ना दूध पिलाऊंगी और सला दूंगी। फ्लाइट से बेहतर जो है ना यहाँ पे है सऊदी एयरलाइन और फाइनली हम लोग बैठ गए हैं। गुल हैप्पी हैप्पी, गुल बहुत हैप्पी है। अच्छा ये मेरा सऊदी एयरलाइन पे मेरे हमने 4th time मैं ट्रैवल कर रही हूँ। इससे पहले मैं फ्लाइनास पे कर रही थी, दरमियान में मैंने बिल्कुल फ्लाइनास को चूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। वो थोड़ा सा ये कि सस्ते में पड़ता है सऊदी एयरलाइन, थोड़ा हम लोगों को महंगे में पड़ता है। तो इस बार हमने सोचा बच्चे हैं तो हम सऊदी एयरलाइन में ही बैठ के जाएंगे। तो यार इसकी सीट वाकई बहुत कम्फर्टेबल। अब मैं दोबारा फ्लाइनास को बिल्कुल छोड़ने लगी हूँ। मैंने कहा यार थोड़ा महंगा है लेकिन बंदा सफ़र तो आसानी वाला करे। लेकिन गुल ने हमें पूरे सफ़र तंग नहीं किया, बस सोता आया या फिर अपनी वीडियोज़ देखता आया। खाना भी आ चुका है, ये गुल का है, वो हस्बैंड का है और ये कुछ इस तरह का फुल हॉट है, साथ में सैलेड है और साथ में आई थिंक चॉकलेट है। ये था हमारी सऊदी एयरलाइन और बस अभी हम लोग हो गए हैं लैंड और जा रहे हैं बाहर। ये सफ़र बहुत लंबा था, 5 घंटे का था, पहले 4 घंटे नहीं पता चला, आखिरी 1 घंटा जो है ना बच्चों ने बहुत तंग किया। हायर से जद्दा लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंच के और यहाँ से अपना जितना भी लगेज है वो कलेक्ट कर रहे हैं बच्चे मेरे। मनाहिल मनाहिल माशाल्लाह एक्टिव है, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। और बस जी यहाँ से अभी हम लोग अपना उबर करवाते हैं और घर जाते हैं और लेट्स सी सबको सरप्राइज देते हैं। फाइनली हमें कार वाला भी मिल गया है, एयरपोर्ट के बाहर से मिल गया। सही है गुल कम। ये था हमारा प्यारा एयरपोर्ट माशाल्लाह से, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती। फाइनली हम लोग को जो है ना एक कार मिल गई है जो 7-सीटर है और हम लोगों ने मतलब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हम लोगों को मिल गई थी। और अब जो है ना हम गाड़ी में बैठ के और विद इन 10 मिनट जो है ना हम लोग घर पहुंच जाएंगे। यहाँ से मेरा घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। गुल हैप्पी, अम्मी जी के पास जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अम्मी जी के पास जा रहे हैं। तो बस अम्मी जी के पास जाते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं कोई वीडियो बना सकते हो कि नहीं। आते साथ पहली गलती की है ना, आते साथ पहली गलती कर दी है। पहली गलती ये कि वो ड्राइवर की सीट पे बैठने लगे थे। मैंने नहीं देखी, लेते जाएं कि पड़े होंगे। ओके और भाई वैसे भी पहले एक दो दिन जरा ख्याल करी है। सही है, पानी का भी और चीजें खाने का भी दो दिन की। ओके लगता ही नहीं रात के 1-2 बजे का टाइम है ना।
फिर मेरी सिस्टर ने चीज़ियस का पिज़्ज़ा मंगा दिया था रात को 3 बजे। हम लोगों ने ये चीज़ियस का पिज़्ज़ा खाया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में रह के सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में यही चीज़ इंजॉय की है। और जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग, कोई सरप्राइज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कैमरा यूज़ करने की इतनी आदत नहीं रही जैसे मैं पहले रिकॉर्ड करती थी बैग खुलने पर ये वो, तो इस तरह मैंने कुछ भी सीन रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।